हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है, तो नरेंद्र मोदी वेटिंग के दिन ही बिहार में नीतीश के तीर से पीएम मोदी साधेंगे निशाना। और जानिए क्यों खास है प्रधानमंत्री की दोनों जनसभा, पूरी जानकारी के साथ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो, अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आ रहे 24 अप्रैल को। एक तरफ जहां लोग दूसरे चरण के तहत वोट डाल रहे होंगे, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी अररिया और मुंगेर में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार 26 अप्रैल को होना है। इस चरण में बिहार की 5 संसदीय सीटों पर वोट डाले जाएंगे, सीमांचल के 3 और अंग क्षेत्र के 2 सीट पर मतदान होना है। सभी सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, अब बारी मतदाताओं की है, जो अपने वोट से प्रत्याशियों को भविष्य तय करेंगे। इस चरण में एनडीए की ओर से सभी सीटों पर जेडीयू की प्रत्याशी मैदान में है। वहीं एनडीए के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए नरेंद्र मोदी भी इसी दिन बिहार आ रहे। पीएम मोदी इस दिन एक तीर से 2 निशाने साधेंगे। प्रधानमंत्री मुंगेर में जेडीयू नेता ललन सिंह के लिए प्रचार करेंगे। सियासी जानकारों की मानो तो बीजेपी में इंटरनल सर्वे में पता चला है कि ललन सिंह की स्थिति कमजोर है, इसलिए पीएम मोदी की सभा बुलाई जा रही है। प्रधानमंत्री अपने सहयोगी दल जेडीयू के तीर से निशान साधेंगे। मैं बता दूं कि 5 सीटों पर वोटिंग जो है आपको शुरू कर दी गई है। मैं ध्यान रहे कि 26 अप्रैल को बिहार की 5 सीटों भागलपुर, बांका, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज के लिए वोटिंग होगी। इन सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। इन 5 सीटों में से 3 सीटें पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज सीमांचल क्षेत्र की, जबकि 2 सीटें भागलपुर और बांका अंग क्षेत्र की। आपको बता दें कि इस दिन बिहार में पीएम मोदी की जो 2 जनसभाएं प्रस्तुत थी, जिसके लिए बीजेपी की जोर शोर से तैयारी कर रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी की दोनों जनसभाएं सीमांचल अंग क्षेत्र में ही होनी है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह। स्थानीय कार्यकर्ता बता रहे हैं कि पीएम के आगमन से ललन सिंह की जीत निश्चित हो जाएगी। ललन सिंह हाल में दिनों में अपने इलाके में भीतर घात का सामना कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि उनके पक्ष में कार्यकर्ताओं का कई गुट नहीं है। पीएम के आगमन से बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी एक्टिव हो जाएंगे। तो मैं बता दूं कि अभी जो है चुनाव का ऑलरेडी बिहार में बिगुल बज चुका है, यानी कि भारत में बिगुल बज चुका है। तो ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जय भी।